कुदरत का नियम है, मित्र और चित्र अगर दिल से बनाओगे तो उनके रंग जरूर निखर आएंगे। तो इसी तरह का एक चित्र मतलब कैनवास पेंटिंग बनाने मैं आई हूँ जननी अरविंद अय्यर के यहाँ। जननी एक बहुत अच्छी हाउसवाइफ तो है ही, पर उसके साथ एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट भी है, जो आज हमें बताने वाली है कि उन्होंने किस तरह के कैनवास पेंटिंग्स बनाए हैं, और वो हमें सिखाने भी वाली है कि कैनवास पेंटिंग कैसे बनाते हैं। एक सीक्रेट बताऊं, किसी को बताना मत, मुझे मेरा और पेंटिंग्स का नाता इज ऑलमोस्ट लाइक अ डिजास्टर। मुझे पेंटिंग्स बनाना बिल्कुल नहीं आता, पर मुझे ऐसे लगता है कि इंसान ने जिंदगी में ये पांच चीजें एक बार तो जरूर करनी चाहिए, ट्रैवलिंग, रीडिंग, डांसिंग, सिंगिंग एंड पेंटिंग। तो आज हम करने वाले हैं पेंटिंग जननी के साथ। हाय जननी, वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू टू कोलैबोरेटिंग विद मी। हाय, हेलो व्यूअर, माय नेम इज जननी एंड आई एम कोलैबोरेटिंग टुडे विद मुंबई गर्ल एंड माय इंस्टाग्राम पेज इज ड्रीमर पेंट्स एंड यू कैन फाइंड इट बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैंने इनके सारे पेंटिंग्स इंस्टाग्राम पे देखे हैं, उसकी लिंक और यहाँ पे भी तो मैं उनका इंस्टाग्राम हैंडल दे दूंगी। और उसी तरह के उसी को देख के मैं यहाँ आई थी, और देखने के बाद मैंने कितने अमेजिंग फोटोज और पेंटिंग्स यहाँ देखी है। जैसे थोड़ा बहुत तो याद बनता है कि ये किस तरह के पेंटिंग्स आप बनाते हो, और जिसमें से एक पेंटिंग ये है, दिस इज ब्यूटीफुल, इसके बारे में प्लीज जानकारी दीजिए। श्योर श्योर, ये एक्चुअली मधुबनी पेंटिंग है एंड इसमें ये राम और सीता का पेंटिंग है एंड इसमें ओरिजिनली आई थिंक सो 200 कोट्स हुए हैं पेंटिंग के, सो एंड दैट टू एक्रिलिक पेंट एंड हमें बहुत लाइट करने पड़ते हैं तभी ये लुक आता है मधुबनी का। इज द नेक्स्ट पेंटिंग गाइस, मतलब क्या ही बोले इसके बारे में, मुझे बहुत अच्छी लगी है एंड जरूरी इसके बारे में बताइए। एक्चुअली ये कैनवस पेंटिंग है एंड ये यहाँ पे जो आप डॉट डॉट्स लिखोगे ये पूरा पीओपी का है, तो पीओपी को फर्स्ट पहले अप्लाई करके उसको सूखने के बाद उसके ऊपर पेंट हुआ है, सो इसीलिए वो इफेक्ट लाने के लिए ये पीओपी का अप्लाई किया गया है। पता नहीं वहाँ कैसे दिख रहा होगा, पर यहाँ पे ये बहुत बहुत अच्छा दिख रहा है। नेक्स्ट पिक के लिए, नेक्स्ट पेंटिंग के लिए आप सब लोग अपना दिल थाम के रखिए, बिकॉज दिस इज ओ माई गॉड, लाइक रियली ऑसम। और इसके इस जैसे और सारे पिक्स या पेंटिंग देखने के लिए मैं पिक्स ही बोल रही हूँ, बिकॉज इट इज सो नेचुरल, इतना नेचुरल लग रहा है, इतना सही लग रहा है, रियल लग रहा है कि मैं इसे पिक ही बोल रही हूँ। पर इस तरह के पेंटिंग्स अगर आपको देखने हैं और खरीदने हैं तो जननी के इंस्टाग्राम पेज पे जरूर जाए। इसके बारे में बताइए यार। एक्चुअली ये थोड़ा डैबिंग स्टाइल में किया है, सो टू कलर्स को मर्ज करने के लिए हम उसको डैब करते हैं, सो ब्रशेस को हम ऐसे डैबिंग मतलब ऐसे डैब करके उन दो कलर्स को मर्ज करते हैं। एंड ये सारा स्केच वाइज करा हुआ है क्या, मतलब पेंसिल? एक्चुअली इसको स्केच करके फिर इस पे ट्रेस करा हुआ है, क्योंकि हम कैनवस में डायरेक्टली पेंसिल से स्केच नहीं कर सकते बिकॉज वो रब नहीं होगा, तो पहले आप कहीं पे ड्रॉ करके उसके बाद आप इसको ट्रेसिंग पेपर से ट्रेस करके फिर उसके बाद उसको पेंट कर सकते हैं।
वेस्टिंग एनी मोर टाइम, हम स्टार्ट करते हैं हमारी कैनवास पेंटिंग बनाने, मेरी फर्स्ट कैनवास पेंटिंग बनाने। तो इसके लिए हमने कुछ चीजें ली हैं जिनके सारे प्राइजेस मैं आपको यहाँ कहीं मेंशन कर दूंगी, और बहुत मिनिमम चीजें हैं जो आपको नॉर्मल स्टेशनरी या ऑनलाइन मिल ही जाएंगी। जननी प्लीज। ये कैनवास बोर्ड है और 8x8 inches का, एंड इसका प्राइस ओनली 50 rupees। स्क्वायर बोर्ड पे ये स्क्वायर बोर्ड पे जो हम आज बना रहे हैं वो स्क्वायर बोर्ड पे ज्यादा अच्छा लगेगा। सो यू कैन ट्राई इट ऑन 10x10 ऑल्सो। एंड फ्यू कलर्स लिए हैं, फेविक्रिल के कलर्स हैं, सो वाइट कलर एंड ब्लैक कलर एंड टील ब्लू एंड सेरुलियन ब्लू। सो इनके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, कि इनके नंबर्स भी अलग से होते हैं। एंड आज के लिए दो ब्रशेस काम में आएंगे, वन इज राउंड ब्रश 4 number एंड फ्लैट ब्रश 8 number। सो हम फ्लैट ब्रश ले रहे हैं एंड देन थोड़ा सा वाइट कलर लेके हम ऐसे राउंड बनाएंगे। स्टार्टिंग में ही हमें ऐसे राउंड बनाना है। देन हमें धो के पोंछने के बाद हम ले रहे हैं टील ब्लू, धोना है और पोंछ देना है। हाँ ओके। एक्चुअली ये कलर बहुत जल्दी सूख जाता है तो ध्यान रखना है। फिर धो के पोंछने के बाद ये दोनों कलर्स को ऐसे मिक्स करना है, और अगर कलर आपको लगता है ज्यादा हो गया तो थोड़ा व्हाइट निकाल के ये कॉर्नर आप सर्कल में घुमा के ये व्हाइट और ये टील ब्लू को दोनों को मर्ज करना है। ओके, सो वहाँ पे दोनों सर्कल के बीच में, दोनों कलर के बीच में वाटर ज्यादा लेके हमें वाटर नहीं लेना है, वाटर से धो के अच्छा उसके बाद पोंछ के उसके बाद दोनों कलर को मिक्स करना है। ओ। और अच्छे से पोंछ लेना है ताकि ये कलर ऐसे अच्छे से मिक्स हो। सो एवरी टाइम वो ब्रश जैसे घुमा रही है, वो क्लीन कर रही है ब्रश को। नेक्स्ट अभी हम टील ब्लू और सेरुलियन ब्लू को करेंगे। तो हम टील ब्लू ऐसे आसपास, एक्चुअली ये कलर सूख जाता है तो इससे अच्छा है पहले हम इसको मिक्स करके फिर हम दूसरे दो कलर्स को मिक्स करें। दो दो कलर्स का कॉम्बिनेशन। ओके, अगर बड़े भी, अगर 10x10 भी अगर लिया और आपको ज्यादा कलर्स लेने हैं तो मेक श्योर कि आप दो दो का पहले कम्प्लीट कर लो ना। हाँ, दो कलर ही मिक्स कर सकते हो, वरना जब तक आप मिक्स करोगे तो वो दूसरा कलर सूख जाएगा। बस कोट में थोड़ा लाइट ही रखना, बहुत गाढ़े गाढ़े कलर्स मत करना, थोड़ा लाइट हो तो भी चलेगा। एक्चुअली ये साइड सूख जाएगा तो हम सबसे पहले धो के पोंछने के बाद इसको मिक्स कर देंगे ये कलर को, ये साइड, फिर हम दूसरे साइड पे जाएंगे। चाहे तो हम थोड़ा सा टील ब्लू निकाल के ऐसे कॉर्नर अच्छा में करेंगे। हाँ हाँ, मतलब वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। बराबर। आपने देखा मैंने कितना लाइट कलर दिखाया कि पीछे थोड़ा दिख भी रहा है। सो हम इसका सेकेंड कोट भी करेंगे। के पार्ट में, और हर ब्रश के बाद वो उसे ब्रश को क्लीन कर रही है। कितने एक दूसरे के अंदर बहुत सही से ढल रहे हैं वो कलर, जस्ट मैजिक, राइट।
पेंटिंग इज काइंड ऑफ मैजिक ओनली. सो ये हमारा पहला फोटो. अभी मैं ट्राई करती हूँ. हे भगवान. ओके, तो पहले पानी नहीं लेना है, पहले यहाँ से स्टार्ट करूँ क्या? हाँ, पहले हम वाइट कलर. और बीच में लेना, बीच में सर्कल. और बिल्कुल फ्री हैंड चलाना, बिल्कुल ऐसे डरना नहीं है. कलर्स ही है, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा बाद में. अभी हम देख रहे हैं कि ये सूख गया है. हमने इसे 3 घंटे रखे थे शायद. हाँ, 3 घंटे हमें इसे सूखने को रखना है. आफ्टर दैट ये पूरा सूख गया है. अभी हम सेकंड कोट करेंगे. ये हमने इस चौक से ये ड्रॉ कर लिया. हम किसी भी चौक से ड्रॉ कर सकते हैं. एक आउट एक व्यू ड्रॉ कर लिया ताकि हमें पता चले कि हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं. तो अभी ये ब्रांचेस ड्रॉ करेंगे हम यहाँ से. यू कैन सी एंड दिन भर की मेहनत के बाद ये रिजल्ट आया है. एंड इसने भी बहुत अच्छा बनाया है. सो यू कैन अप्रिशिएट हर. सो एंड आप बना सकते हैं डेफिनेटली. एंड बहुत मिनिमम कलर्स लगे हैं. एंड आप अलग अलग डिजाइन भी बना सकते हैं लाइक दिस. सो आई वुड सजेस्ट कि आप वार्निश करें इसको ताकि इसका पेंट रिमूव ना हो सके एंड आसानी से आप इसको वाइप कर सके. ओके, मुझे तो बहुत मजा आया है बनाने के बाद. आप भी जरूर बनाएं. और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू. थैंक यू.